चुनाव अधिनियम है क्या और संशोधन विधेयक 2021 जिसकी बात की जा रही है, इसके बारे में तफसील से आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि सरकार किस बदलाव की कोशिश कर रही है और विपक्ष किस लिए इसका विरोध कर रहा है। दरअसल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये संशोधन लाने के लिए बिल है जिसे पेश किया गया है। निर्वाचन डेटा को आधार सिस्टम से लिंक करने का ये प्रस्ताव बताया जा रहा है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है इस बदलाव के साथ ही, और वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव इसमें है, प्रावधान होगा इसको लेकर। निर्वाचन अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर मांग सकेगा, यह बदलाव होगा। वहीं नए वोटर को भी आधार वेरिफिकेशन के लिए कहा जा सकता है कि आधार वेरिफाई उसका किया जाए। इस तरीके का बदलाव होने के लिए आज सरकार ने तैयारी की थी जिसे लेकर सदन में खूब हंगामा देखने को मिला और विपक्ष ने इसे लेकर जोरदार विरोध किया है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा पहले इसके मायने समझाइए, जिस संशोधन विधेयक की बात सरकार कर रही है इससे बदलाव क्या होंगे और इन बदलावों से विपक्ष नाराज क्यों है, किस बात की दिक्कत विपक्ष को है जिसे लेकर हंगामा देखने को मिला सदन में। जी हाँ बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जैसा कि हमारे और आपके आधार कार्ड का पैन कार्ड के साथ, बैंक अकाउंट के साथ और बहुत सारी दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जाता है, तो अब सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना ये है कि हमारे और आपके पास जो वोटर कार्ड है उसके साथ हम आधार कार्ड को भी लिंक कर दें। और उसके लिए आज सरकार की तरफ से लोकसभा में कानून मंत्री ने एक बिल पेश किया है, लेकिन इस बिल का विरोध करने वाले चाहे तमाम राजनीतिक दल हो या बुद्धिजीवी संगठन हो, उन सब का कहना है कि सबसे पहले तो ये प्रयास जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में है। दूसरी बात कि सरकार की दलील ये है कि ऐसा करने से फर्जी वोटरों पर लगाम लगाई जा सकती है। तो जो बिल का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि अगर आप वोटर कार्ड में गलतियों की गुंजाइश देखें और आधार कार्ड में गलतियों की गुंजाइश देखें तो वोटर कार्ड में करीब 4% के आसपास त्रुटियां आती है, जबकि आधार कार्ड में यही त्रुटियां 9 से 10% की है। तो यानी एक जो ज्यादा गलती करने वाला जो सिस्टम है उससे हम कम गलती करने वाले सिस्टम को जोड़कर ये बता रहे हैं कि कम गलती करने वाले की त्रुटियों को हम दूर करेंगे, ये इनकी दलील है। प्लस इसमें जो राजनीति हो रही है वो इस बात को लेकर है कि इनका कहना है कि अगर सरकार के हाथ में वोटर कार्ड आ गया तो कल के दिन में सरकार अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकती है, भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता है, जबकि अभी वोटर कार्ड चुनाव आयोग के हाथ में है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।